आईपीएल में सबसे यंग खिलाड़ी कौन है, सबसे ओल्ड खिलाड़ी कौन है उम्र के हिसाब से, क्या चेन्नई सुपर किंग्स इस बार फिर से डेड ईयर में कहला रही है, तो हम हर एक टीम के जो है वो यंगेस्ट और ओल्डेस्ट प्लेयर की बात करेंगे। बात करेंगे उस टीम में इनके रहने से क्या फ़ायदा है और इनके ना रहने से क्या नुकसान होता। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सबकी पसंदीदा फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स की बात करते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स में यंगेस्ट खिलाड़ी की अगर मैं बात करूं तो वो इसी साल उन्होंने ऑक्शन में लिया अरवली अविनाश, 18 साल के, मैच 18 साल के अरवली अविनाश। उसके बाद अगर मैं ओल्डेस्ट प्लेयर की बात करूं, द ग्रेटेस्ट अमंग ऑल थला एमएस धोनी, जो कि 42 साल के हैं। क्या महेंद्र सिंह धोनी 42 साल के जो कि ये आईपीएल खेल रहे हैं वो इस आईपीएल के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है? कमेंट सेक्शन में आप लोग ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक हम बढ़ते हैं अगली टीम लखनऊ सुपर जायंट्स। तो लखनऊ सुपर जायंट्स में अगर मैं बात करूं तो अर्शिन कुलकर्णी जो कि महज 18 साल के हैं, अर्शिन कुलकर्णी, और अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप जो चल रहा है उसमें भी खेल रहे हैं। अब इस टीम में एक और नाम आता है, वो नाम आता है ओल्डेस्ट प्लेयर का, तो ओल्डेस्ट प्लेयर इस टीम में है नन अदर देन अमित मिश्रा जो कि 41 साल के हैं, यानी महेंद्र सिंह धोनी से एक साल यंग है अमित मिश्रा, लेकिन लगते कुछ और ही हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो पंजाब किंग्स की बात करता हूं। पंजाब किंग्स में यंगेस्ट प्लेयर प्रभ सिमरन है, 23 इयर्स ओल्ड। उस टीम में कोई भी जो है बिलो 20 नहीं है। और सबसे ओल्डेस्ट की मैं बात करूं तो शिखर धवन, 38 इयर्स शिखर धवन, और इस टीम में कोई भी जो है वो 40 साल के ऊपर नहीं है। तो एक कन्फाइंड टीम अगर मैं यंग प्लेयर्स की बात करूं तो खैर, लेकिन यार यहाँ तो महेंद्र सिंह धोनी इन सबसे तेज़ दौड़ लेगा, विराट कोहली इन सबसे तेज़ दौड़ लेगा। तो ये रही बात पंजाब किंग्स की। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो राजस्थान रॉयल्स की। राजस्थान रॉयल्स में सबसे यंग प्लेयर फ्रॉम राजस्थान कुणाल सिंह राठौड़ जो कि महज 21 साल के हैं। सबसे एज्ड खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन जो कि 37 साल के हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अगली टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में सबसे यंग खिलाड़ी की अगर मैं बात करूं तो वो है सौरभ चौहान जो कि 23 साल के हैं, और सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर फाफ डुप्लेसी। फिटनेस से नहीं लगते लेकिन फाफ डुप्लेसी 38 साल के हैं, इसीलिए मैं हमेशा सवाल या मार जो है ना वो उठाता हूं कि फाफ डुप्लेसी क्या आईपीएल 2025 में मेगा ऑक्शन में रिटेन होंगे या नहीं। तो मुझे मुश्किल लगता है फाफ डुप्लेसी 38 साल के रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी। उसके बाद अगली टीम की अगर मैं बात करूं तो अगली टीम है दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स में सबसे ओल्डेस्ट खिलाड़ी की अगर मैं बात करूं, ये टीम तो यार वैसे भी यंग है, लेकिन सबसे ओल्डेस्ट खिलाड़ी की बात करूं तो डेविड वार्नर जो कि 37 साल के हैं, और हाल फिलहाल में डेविड वार्नर ने जो है वो रिटायरमेंट की घोषणा भी कर दी टेस्ट क्रिकेट से। उसके बाद अगर मैं बात करूं इस टीम में सबसे यंग खिलाड़ी कौन है तो स्वास्तिक चिक्कारा जो कि महज 18 साल के हैं। स्वास्तिक चिक्कारा, ये वही स्वास्तिक चिक्कारा है जिसको रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने भी ट्रायल के लिए बुलाया था लेकिन इनको एक्सेप्ट नहीं किया, ना इनके पीछे जो है वो ऑक्शन में गई रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। इसके बाद अगर मैं केकेआर की बात करूं, वन ऑफ द मोस्ट यंगेस्ट फ्रेंचाइजी इन आईपीएल 2024, केकेआर की बात करूं तो सबसे यंग प्लेयर जो है वो है साकिब हुसैन जो उन्होंने इस साल ऑक्शन में खरीदे 19 साल के, और सबसे ओल्डेस्ट खिलाड़ी आंद्रे रसेल, मोस्ट स्टेबल खिलाड़ी आंद्रे रसेल। तो आंद्रे रसेल 35 साल के, और आंद्रे रसेल पे भी सेम क्वेश्चन मार्क उठता है कि क्या वो आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन से पहले कोलकाता नाइट राइडर में 3 साल के लिए रिटेन होंगे या नहीं। मुझे नहीं लगता रिटेन होंगे, 35 के वो हो गए हैं और इसी साल जो है वो 36 के भी हो जाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सनराइजर्स हैदराबाद की, सनराइजर्स हैदराबाद भी एक यंग टीम नज़र आती है जिसमें सबसे यंग प्लेयर नीतीश कुमार रेड्डी जो कि महज 20 साल के हैं, और भुवनेश्वर कुमार की अगर मैं बात करूं तो वो ओल्डेस्ट प्लेयर, लेकिन उनकी उम्र अगर मैं आपको बताऊं तो 33 इयर्स ओनली। भुवनेश्वर कुमार सिर्फ 33 साल के हैं जो कि ओल्डेस्ट प्लेयर ऑफ सनराइजर्स हैदराबाद है। इसी टीम में पैट कमिंस, एडन माक्रम है, लेकिन जो ये टीम है ये वन ऑफ द यंगेस्ट टीम ऑफ आईपीएल 2024। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसके बाद बात करूंगा गुजरात टाइटन्स की। गुजरात टाइटन्स की मैं बात कर लूं तो इसमें सबसे यंग प्लेयर नूर अहमद, महज 18 साल के। देखो पाकिस्तान के प्लेयर, अफगानिस्तान के प्लेयर, इनकी उम्र छुपाने की आदत हमने मीम्स में ज़रूर देखी है, लेकिन अभी तो नूर अहमद की मैं बात करूं तो वो 18 साल के ही बता रखे हैं, लेकिन लक्षण जो उनके हैं वो तो राशिद खान से भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं मुझे। तो राशिद खान वो भी इन 20s, ये 2025 है राशिद खान भी। अब अगर गुजरात टाइटन्स में सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर की बात करूं तो वो आते हैं रिद्धिमान शाह जो कि 39 ईयर्स ओल्ड हैं,
रिद्धिमान शाह कब से ही क्रिकेट खेल रहे हैं, 39 ईयर्स ओल्ड, और अभी भी टेस्ट क्रिकेट से जो है उन्होंने संन्यास की घोषणा नहीं की है। और काफ़ी तो उन्होंने वो है एक मीडिया पर्सन पे भी आरोप लगाए थे, कमेंट करके बताए कौन थे वो मीडिया पर्सन जिन्होंने इंटरव्यू देने के लिए प्रेशर बनाया था रिद्धिमान शाह पे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपकी सबकी चहेती फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस, जी हाँ मुंबई इंडियंस, मुंबई इंडियन के सबसे यंग खिलाड़ी की अगर मैं बात करूँ तो वो डिवाल्ड ब्रेविस है जो कि 20 साल के हैं। और सबसे ओल्ड प्लेयर की मैं बात करूं तो वो है मोहम्मद नबी फ्रॉम अफगानिस्तान जो कि 38 साल के हैं। नबी काफ़ी दिनों से अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं और अफगानिस्तान टीम का अटूट हिस्सा है। इस साल ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने उनको खरीदा था। तो ये पूरी 10 टीमों की यंगेस्ट और ओल्डेस्ट प्लेयर की लिस्ट हमने आपको बता दी है। इसके साथ साथ अगर मैं और कंपेयर करना चाहूं तो इस आईपीएल का सबसे उम्रदराज खिलाड़ी जो है वो नन अदर देन द लेजेंड द कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी थाला, हाँ, जो कि 42 ईयर्स के हैं। फिर उसके बाद अमित मिश्रा 41 ईयर के हैं। तो हर टीम के ओल्डेस्ट प्लेयर में सबसे यंग प्लेयर में देखूं, हर टीम के ओल्डेस्ट प्लेयर में से सबसे यंग प्लेयर तो वो भुवनेश्वर कुमार नज़र आते हैं जो कि महज 33 साल के हैं। और 18 साल के लड़के तो कई हैं, चाहे वो दिल्ली कैपिटल्स के स्वास्तिक चिक्कारा ले लो या फिर लखनऊ सुपर जायंट्स के अरशीन कुलकर्णी ले लो। तो ये आईपीएल हमेशा जो है वो यंग टीम को जो है वो फेवर करता आया है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस जैसी टीम ने जो है वो डैडीज आर्मी बना के जीते हैं। डैडीज आर्मी यानी कि उस टीम में सबसे ज़्यादा 30+ सदस्य रहते हैं और फिर भी वो आईपीएल जीत जाते हैं। देखो आप फिटनेस लेवल देखो, महेंद्र सिंह धोनी की फिटनेस लेवल देखो, रविंद्र जडेजा की फिटनेस लेवल, अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में भी मैं बात करूँ तो फाफ 38 के हो रहे हैं, अभी 39 के हो जाएंगे, विराट कोहली जो है वो 36 के हो रहे हैं, लेकिन उनकी फिटनेस देखो, फिटनेस ओवर द टॉप है सभी की। खैर रोहित शर्मा की अगर आप बात करो तो फिटनेस पे हमेशा सवाल या निशान रहते हैं, लेकिन जब जब मौका पड़ा है तो रोहित ने जो है वो फिटनेस के मामले में अपने आप को डिलीवर किया है। तो ये यंग प्लेयर और ओल्ड प्लेयर की लिस्ट हमने जारी की, तो इससे आप पता कर सकते हैं कि कौन सी टीम जो है वो सबसे यंगेस्ट टीम है। तो सबसे यंगेस्ट टीम में अगर मैं रेट करना चाहूँ तो सनराइज़र्स हैदराबाद है, दूसरे नंबर पे अगर मैं रेट करना चाहूँ तो कोलकाता नाइट राइडर्स है, क्योंकि उसमें आंद्रे रसेल महज 35 साल के हैं। अब आंद्रे रसेल, भुवनेश्वर कुमार, ये मेगा ऑक्शन से पहले रिटेन होते हैं नहीं होते मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में तो फाफ 38 के हैं, विराट 36 के हैं, 35 के हैं, ग्लेन मैक्सवेल भी उसी एज ग्रुप के हैं, तो ये टीम भी जो थोड़ी है ना, और दिनेश कार्तिक भी इसी एज ग्रुप के हैं, 35, 6, 7, 8, तो ये चार प्लेयर आपके 35, 6, 7, 8 के हैं। तो यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर भी थोड़ी डैडीज आर्मी इस बार जो है वो नज़र आएगी, और देखते हैं होपफुली इस बार जो मे द बेस्ट टीम विंस। और 5 बार चेन्नई सुपर किंग्स जीता है, 5 बार मुंबई इंडियंस जीता है, 1 बार गुजरात टाइटंस जीता है, 2 बार कोलकाता नाइट राइडर्स जीता है, 1 बार राजस्थान रॉयल्स जीता है, 1 बार सनराइजर्स हैदराबाद जीता है। इनके अलावा होपफुली आईपीएल 2024 का कोई ये सीजन जीते, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन है आरसीबी बनाम चेन्नई सुपर किंग्स फाइनल होगा। आप भी अपने दोनों फाइनलिस्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड विद स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित, और साथ साथ सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।